अबे लेकिन एरन, अबे एरन का शक्ल दिखा था कि वो उदास है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको वो पास में बुला के कहता है, भाई सुनो मैं कुछ रोकने नहीं वाला, तुम्हें जो करना कर लो। तुम्हें जो अबे तो इसका मोटिव क्या है भाई, एरन का मोटिव क्या है भाई असली में? अबे अरे भाई उसका कहने का मतलब वही था कि तुम लोग फ्री हो, मैं तुम्हें कोई बंदी नहीं बनाना चाहता, तुम्हारे टाइटन को छीन लिया तो तुम्हारी फ्रीडम का क्या लॉजिक हुआ जो मैं जिससे मैंने ये रनिंग शुरू करी है? तो इसलिए उसने इन सबको फ्री रखा, वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आके बनना चाहते हो वो तुम्हारी फ्रीडम है, मतलब तुम्हारी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसमें लेकिन वो ऐसा मैं कभी कुछ होना नहीं नहीं करूँ। चाहने देगा ना, लेकिन एरन ऐसा होने चाहने देगा ही नहीं ना, क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए केयर करता है, हाँ अपने उसने दोस्तों दोस्तों के के लिए लिए तो हुआ किया है है। भाई, उसने दोस्तों के लिए कर दिया। लेकिन फिर हांजी भी मर गई, फिर सेंस क्या इस बात का? अगर तुम मरना चाहते हो वो तुम्हारी फ्री विल है, मरो, मैं रनलिंग कंटिन्यू रखूंगा, उसका उसका मेन मोटिव वही है। अबे यार भाई एरन का भाई पता नहीं यार असली मोटिव कुछ और तो नहीं भाई? नहीं हुआ ना फिर मैं थप्पड़ मारूंगा एरन के आगे। भाई एरन का असली मोटिव है तब मर जाओ, मैं अकेले जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं परेशान हो गया। और एरिन खुद मर जाएगा एक साल के अंदर, क्या जिंदा रहेगा वो? अरे हाँ सही बोलेगा, अरे यार मैं अकेले गलती कर दी। तो ये भाई बताओ एरन मरेगा कि नहीं मरेगा? देख एरन मरेगा ना तो बहुत रोना आएगा भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा अरे है कि एरन मरेगा। हाँ तो भाई मरेगा, मेरे को भी लगता है कि भाई अब इतना सब जेनोसाइड कर ही दिया है भाई, आर्मिन हाँ, अब है तो है नहीं कि उसके पास आके अभी बोल दे कि भाई अभी भी वापिस चल ले और मरता है, वो ऐसा तो अब बोलेगा अभी नहीं उनके भाई, पास बस एक साल भाई बचा उसके है। थप्पड़ मार दूंगा उसे। हाँ अबे एरिंग के पास और एक साल अगर बचा है भाई, भाई, वो क्या ही करेगा, जिंदा रहेगा? और अगर वो जिंदा भी रह जाएगा ना, वो गिल्ट में ही मर जाएगा भाई वही। हाँ अबे ये ना कि एक मैंने तरीके से मान ले रिंग का ये सुसाइडल मूव ही था, ये उसे पता था कि मैं मर ही जाऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, वो पुटिन बन रहा है क्या कि मरने से वैसे हाँ तबाह मेरे करके हिसाब से हाँ जाऊंगा? सब तबाह कर दूंगा। ये व्लादिमीर पुटिन एरन से इंस्पायर्ड है, लेट्स गो। अबे लेकिन भाई जो ये आर्मिन वगैरह सब जो बात कर रहे हैं वो एरन तो सुन सकता है भाई। मेरे को पता है क्या लग रहा हाँ है, सुन सकता हूँ। अबे वो समझ रहे थे ना, वो जब वो बात कर रहे थे आपस में तो वो समझ गए थे ना कि एरन एक्चुअल में ऐसे चाहता नहीं करने को, लेकिन वो कर रहा है कोई कोई और वजह से, ठीक है, जबकि एरन एक्चुअल में ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन उसी टाइम उनको पास पे फोन करा और एरन फिर से आग लगाया उनके अंदर, एरन ने कि भाई मैं करूंगा, मेरे को करने का मन करे तुम्हें जो करना कर दो। और हाँ वैसे उसने आग लगाया था जब पहले आर्मिन और मिकासा एरन से बात करने गए थे, तभी वो आर्मिन को हाँ मुक्का मार मार के पेल पेल के उसने उसको फिर से मिल दिया। हाँ वही तो वही फिर क्या से ये कहते वही हैं, हो गया जैसे जैसे उसने रनर ने बोला था कि ये चाहता ही वही है कि जो एंड है वो हम ही करें हाँ भाई। ये कैसी फ्रीडम हुई भाई, एक चीज बताओ ये कैसी फ्रीडम हुई कि भाई मतलब दूसरों की सोच को लेकर के फ्रीडम, ये असली फ्रीडम होना है, इससे अच्छी तो भाई मादरा की फ्रीडम थी भाई, कम से कम बंदे को हाँ बंदा सुधार हो रहा था अबे तो क्या सब कह दिया सुधारा आर्मिन था तूने, क्या बात भाई, बोल दी, क्या मादरा बात की बोल दी फ्रीडम असली भाई। फ्रीडम थी भाई भाई वो मादरा रियल विलन नहीं फ्रीडम। था, मादरा विलन नहीं है, मादरा हाँ बहुत अच्छा बंदा वो अनसंग हीरो है था। भाई, हाँ भाई ही मादरा वॉज सबका द अच्छा ही ही था, भाई वो ऐसा विलन था कि भाई सही में लिटरली पीस चाहता था वो। पीस चाहता था। और उसने जो कर, अबे भाई अगर जो वो करता ना उसमें कोई बुराई नहीं था, उसमें भी सारे इंसान अपने हिसाब से हाँ अपने सपने में जी रहे पूरा। भाई क्या पता और हम उनको लोग भी सब मादरा नहीं, की तरह, हम भाई क्या पता हम लोग भी मादरा की तरह कोई उसके अंदर हो, गेंजुत्सु के क्या अंदर। पता हाँ सिमुलेशन के अंदर हाँ ही क्या हो पता हम या लोग भाई, सिमुलेशन में। हमको हाँ थोड़ी पता है, हमको हमको थोड़ी थोड़ी ना पता पता है, है। और वैसे जो लोग थे मादरा के सपने के अंदर उनको भी नहीं पता था। इशेमिया ने मेरे ख्याल से तो पता नहीं, मेरे को ये नहीं पता एंडिंग किस तरफ जा रही है किस तरफ नहीं, बट मैंने तो रिव्यूज वगैरह देखे थे ना मांगा पढ़ने वाले, उन लोगों ने तो ये बोला था कि इन लोगों ने एंडिंग खा दिया या क्या कुछ ऐसे, मतलब एंडिंग ऐसा था ढूंढ कि मतलब ली बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा था कि अब मुझे नहीं पता कितना सच्चाई है नहीं, क्योंकि जब फैन फैन मांगा इनकी आ रही है वो कह रहे कि एंडिंग पसंद नहीं आ रही तो हम फैन मांगा बना रहे हैं, तो कितने सारे पोल गए थे अबे उसके ऊपर और हाँ ऐसे फैन वोट्स वगैरह वो सब, अबे हाँ मैंने भी तो सुना था पता फैंस नहीं। अपने ऑल्टरनेटिव हाँ एंडिंग वाले मांगा बना रहे हैं। ऑल्टरनेट एंडिंग, हाँ वही वही वही, हाँ तो अबे इशिया ने बोला भाई था कि एंड में कि मैं कोई इसका ऑल्टरनेटिव एंडिंग सपोर्ट नहीं करूंगा, जो मैंने एंडिंग करी वही ठीक है यार वजह नहीं हुआ ना भाई, मैं सही में ईसा, मैं ईसा यामा को वहां पे जाके मुक्का मारूंगा। भाई। एरन देखा नहीं भाई, दो बच्चे मर रहे कुचल के, तो उसको सोच के वो रो रहा था भाई, मतलब वो है थोड़ा इमोशनल टाइप का है, अबे हाँ फिर तो और वजह वो होना चाहिए भाई, खुद ऐसा रो वो रहा था भाई। उसने उससे हाँ रामजी से कितना माफी मांगा था, रो रो के उसने रामजी को बोल हाँ सुनाया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा फ्यूचर में, सॉरी सॉरी कर कर करके भाई। तो रीजन होगा आपका, या उसने ऑल्टरनेटिव देख लिया वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह कि अबे हाँ भाई मेरे को पता क्या लग रहा है, सुनो सुनो भाई, एरेन ने एक डायलॉग मारा था, एरेन ने मारा था, वो दूसरे बुड्ढे ने मारा था कोई याद नहीं, लेकिन एक डायलॉग मारा था कि क्या कहते हैं लोग हेल्थ देख चुके होते हैं लेकिन वो हेल्थ देखने के बाद भी वो कंटिन्यू करते हैं, ये सोच के कि क्या पता उस हेल्थ के पीछे कुछ और खुफिया
खुशी हो या फिर क्या पता उसके पीछे कोई और हेल ही हो, लेकिन लोग कंटिन्यू जरूर करते हैं। ओ भाई साहब ये क्या बोल रहा है भाई। अबे मेरे हिसाब से एरन ने फ्यूचर देख रखा है, लेकिन वो फिर भी कोई और वजह से वो वही मतलब उसने फ्यूचर देख के वो चेंज कर रहा है फ्यूचर को, समझ रहा है, और वो चेंज करके वो इस फ्यूचर में आए, मतलब समझ रहा है, फ्यूचर देख के चेंज कर और अभी एक अभी प्रेजेंट वाले फ्यूचर में आए अल्टरनेटिव एंडिंग पे, यही होगा जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने करा था वैसा डे पर।